रूपी बैरा तरवरे रूपी सरोवर रूपी राम है, राम है। छाया रूपी साध है साध है
पेड़ साख तेरी फूली साख तेरी फूली तू सुख सुतुली वेद पुरा सिमरत बुझे मूल वेद पुरा सिमरत बुझे मूल सुखम मैं सुखम मैं जाने सतूल तरोहर एक तरोहर एक अनंत डार साखा बाबा कबीर जी दा अज वाला श्लोक एक अगाध नू अबोध नू साडे सामने बड़े खूबसूरत ढंग नाल स्पष्ट कर रहा है। लोग कहंदे ने ज्ञानवान लोग भी आखदे ने रब अगाध बोध है, अगाध बोध है, उन्हें जानना आसान नहीं। पर बाबा कबीर जी ने कैसी एग्जाम्पल चुनी है, कहते ने मालिक राम रब मानो एक तरवर है, तरवर तो भाव है दरखत, एक बिरख है, बिरख जमियो है पारजात तू पेड़ का मतलब दरखत आप कहने फुलाना पेड़ है दरखत है तू पेड़ साख तेरी फूली जिन्ना संसार है ना जिन्नी कुदरत है जिन्ना ब्रह्मांड है मानो तेरिया शाखा ने मूल तू है। इसलिए संसार दे जिन्ने धर्म ग्रंथ ने ना ओ मूल नू जानना चाहते ने अपने लेने आई सी वेद पुराण सिमरत बूझे मूल बूल कहने जड़ नू ते जड़ किंदी हुंदी है दरखत दी दरखत दा पेड़ दा पहला रूप जेड़ा है वो जड़ है। कहन लगे भेद पुराण सिमरत बूझे मूल सारे मूल जड़ नू जानना चाहते ते इस विश्वास ते पुजदे ने तू सूखम सूखम दा मतलब ना दिसन वाला तत् सूक्ष्म छुपया होया क्योंकि जड़ दिसदी नहीं छुपी हुंदी। मैं कई बार उस करना
आप बड़ा खूबसूरत महल बना लिए, किसे आए हो दोस्त नु महल दिखाने, आप देखो मेरे किन्ने बेडरूम ने किन्ने साधन पैदा किते ने, पर कदे किसे नु ए नहीं दिखाया जड़ हिंदी बुनियाद, ये भी मैं तुहानू खोल के कढ़ के दिखाना नहीं। ये बिल्डिंग ही इस गल दी प्रतीक है कि इंदी कोई बुनियाद है, बल्कि जिन्नी उच्ची बिल्डिंग है उन्नी नीवी बुनियाद है, उन्नी ज्यादा छुपी हुई बुनियाद है। ते प्रभु एडा उच्चा इन्ना वड्डा दरखत है ते उन्दी बुनियाद भी तो ज्यादा ही छुपी हुई होनी चाहिए, इसलिए तो लोग आगाध बोध आखी जाते हैं, क्योंकि सूक्ष्म है, दिसदी नहीं, बुनियाद है, छुपी हुई है, जड़ है, पर स्थूल दिसदा। ये तो साडा विश्वास है ना, भी स्थूल जड़ा वो किसे सूक्ष्म तो ही पैदा होया, सूक्ष्म में जाने स्थूल। ये महल किसे बुनियाद तो ही बने है, ये खूबसूरत बड़े सोने ते रसदायक फलां वाला दरखत किसे जड़ विच्चों ही जन्म लाए के बने है। ते फिर अजीब गल ये है, जड़ नू तने नू थोड़ी थां चाहिदी है, थोड़ी थां, ते शाखा नू टाणियां दा फैलाओ बड़ा वड्डा हुंदा, पर मत समझो कि ओ मूल ओ तना जेड़ा है ओ केवल दो चार फुट विच है, नहीं, जिथे जिथे टाणी गई है ना उथे भी तना दी शक्ति दी वरत रही है, जे तने नालों टुट जाए तानी टानी टानी तने नालों टुट जाए, गुरु ने बाणी भी चखे है, मूल बिना शाखा खत आहे। कोई मनुख सतगुरु ने आख्या कि जे मनुख हरि दा सिमरन हर सिमरन छोड़ परम गत चाहे, हरी दा सिमरन प्रभु नाल जुड़ना वो मूल नाल जुड़ना है, क्योंकि वो मूल है। ते जे कोई मनुख आखे मूल दी तो मैनू लोड़ ही नहीं, हर सिमरन छोड़ परम गत चाहे सुख सारे चाहे, ते गुरु कहिंदे ने जवाब दिंदे ने, कहिंदे ने मूल बिना शाखा कता है, वो भलिया ये तो सोच, जे मूल नू छड़ देवेंगा उनका सिमरन उनकी याद त्याग देंगा उनके नाल संबंध तोड़ लेंगा, ये शाखा भी नहीं रहनिया, शाखा तो टाणी दे नाल ने उनके नाल संबंध रख लिया ने। हुण इत्थे बाबा कबीर जी ने इस श्लोक विच तीन चीजां दा मुख रूप विच नाम लिया ते आख्या है, कबीर तरवर रूपी राम है। रब जेड़ा है मानो एक दरखत है, दरखत है, ते दरखत नाल दो चीजां लगदियां ने, एक फल एक उंदी छां, दो चीजां ही मनुख दियां संबंध रखने वालिया ने। या तो मनुख इस ख्याल नाल दरखत लाउंदा कि कोई फल खावांगे, ते कईयां दरख्तां नाल फल नहीं लगदे, मनुख दे काम नहीं आउंदे, पर उन्हां दी छां इन्नी गूढ़ी हुंदी है। पुराने समय अंदर तो पिंडां विच खास करके बोड़ दे पिपल दे दरख्त इसलिए लाए जांदे सन,
ਵੀ ਇਹਦੇ ਇਹਦਾ ਫੈਲਾਓ ਇੰਨਾ, ਟਾਹਣੀਆਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੱਤੇ ਗੂੜੀ ਛਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਹੁਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤੇ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ, ਬਰਾਤਾਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਫਲ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਉਹਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਾਵਨ ਚੰਦਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 52 ਉਂਗਲ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਛਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ 52 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ 52 ਹੈ, ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ 52 ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਚਾ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਕੀ ਬੈਠੇਗਾ? ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਿੱਠੇ ਫਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਲ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤ ਇੰਨੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਬੂਟੇ ਵਰਗੇ ਕੀਮਤੀ ਬੂਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੰਦਨ ਕਾ ਫਲ ਚੰਦਨ ਕਾ ਫਲ ਚੰਦਨ ਵਾਸ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ ਨਾ ਚੰਦਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੰਦਨ ਕਾ ਫਲ ਚੰਦਨ ਵਾਸ, ਮਨੁੱਖ ਕਾ ਫਲ ਘਟ ਮੈਂ ਸਾਸ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਹੀ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਸਵਾਸ ਨਾ ਚੱਲਿਆ, ਇਸਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਜਿੰਨੀ ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਵਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਨੇ। ਚੰਦਨ ਕਾ ਫਲ ਚੰਦਨ ਵਾਸ, ਮਾਨਸ ਕਾ ਫਲ ਘਟ ਮੈਂ ਸਾਸ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਲ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਚੰਦਨ ਦਾ ਵਾਸ਼ਨਾ ਫਲ ਹੈ, ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਵਾਸ ਫਲ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਵੀ ਧਰੋਵਰ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਬੀਰ ਤਰਵਰ ਰੂਪੀ ਰਾਮ ਹੈ। ਰੱਬ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਸਭ ਲੋਕ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਹਦੇ ਫੈਲਾਓ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਭਾਵ ਟਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਰੂਪੀ ਦਰਖਤ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਫਲ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਵੈਰਾਗ, ਤਿਆਗ, ਪਕੜ ਨਾ ਹੋਣੀ। ਰੱਬ ਆਪ ਵੀ ਇਸੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਭ ਕੇ ਮੱਧ ਸਭ ਕੇ ਮੱਧ ਅਲਿਪ ਤੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਵੈਰਾਗੀ ਤਿਆਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਅਲਿਪਤੋ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ, ਮੁਰਗਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਲਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
पर उस पानी दे नाल पिजदा नहीं, अलिप्त रहता है। कहन लगे जिवें मुर्गा भी पानी विच तरदी है, टुब्बी लांदी है, थले चली जांदी है, फिर बाहर आ जांदी है, पर मुर्गा भी दे खंभ पिजदे नहीं। रब दी भी इहो निशानी, उह संसार विच रहिंदा पर संसार विच पिजदा नहीं। सब के मद अलिप्त रहे। कहन लगे इसे तरह जेड़ा साधु है, जेड़ा रब नाल जुड़िया होया, उन्दे कोल वैराग ना लिप्त होना, अलिप्त रहन दा एक पहला सुभा आ जांदा है, क्योंकि ये फल मेरे रब दा। कहन लगे कबीर तरवर रूपी राम है, फल रूपी बैराग। जे अंजन मैं निरंजन रहिए वाली आदत नहीं बनी, इसलिए गुरु ने जोगी नूं आख्या घर बार छड्डण दा मतलब यह नहीं कि तू जोगी बन गया, बिल्कुल नहीं। कहन लगे अंजन मैं निरंजन रहिए, काजर कोठ में भाई न अंजन कहते ने कालख, कालख जड़ी है वो अग दी प्रतीक है, जिथे अग बलनी उथे ही कालख होनी है। आहुन लफज छाया है, बड़ा समझन वाला है भी साधु दी बिरती की है। तीन चीजां दा जिक्र कीता ने, आराम मानो एक दरखत है, बैराग अलिप्त रहना सुभा मानो उनका फल है, ते साधु उनके नाल जुड़िया होया जेड़ा है वो की है छाया रूप। हुण छाया दा रूप भी समझना है, छां की है दरखत विच्चों जन्म लैंदी है, छाया दरखत विच्चों जन्म लैंदी है, ते पिजदी रहिंदी संसार ते धरती ते, छां धरती ते आउंदी है, आकाश ते सूरज है, वो अग दा बुलगोला है, क्योंकि अग हमेशा उच्ची उठती है। भाई गुरदास जी ने भी इसे गलो कह दिता, अग तत्ती जल सीएला कित अवगुण कित गुण विचारे, क्योंकि अग जिहड़ी है वह जन्म लैंदे आं हंकार दा प्रतीक है, उपर नूं मूंह करदी है, उहदियां लाटां थले नूं नहीं जांदियां उपर नूं जांदियां ने, भाई गुरदास ने कहता। इसलिए लोग आख दिंदे ने दीवे थले अंधेरा, क्योंकि उहदी लाट थले जांदी नहीं उपर नूं उठदी है। सूरज भी आसमान ते चढ़दा है, धरती ते आउंदा नहीं। हुण ओह सूरज ते अग जिहड़ी है उपर है, ते छां दा कम की है, रब नाल जुड़ी, रब जिहड़ा है प्रभु जिहड़ा है वह शीतल है। इसलिए कह दिता ना आतिश दुनिया खुनक नाम खुदाया, खुदा दा नाम उहदा सिमरन उहदी याद उहदे नाल जुड़ना ठंडक है शीतलता है। हुण आकाश ते सूरज है हंकार विच, ते धरती ते रब रूपी दरखत है, उहने सारी बनस्पति नूं मौला दित्ता होया, मौली धरती मौलिया आकाश, घट घट मौलिया आत्म प्रगास, वो घट घट विच मौलिया मौलिया भाव हरिया होया होया, सूके ना ही छाव धूप ना उथे छाव तो बदल नाल धुप बदलन नाल छां तो बाद धुप आउण नाल वो सुक जाएगा, बिल्कुल नहीं सुकदा। हुण कहन लगे वो मालिक जिहड़ा है धरती ते है, ते उहदे विचों जन्म लैण वाली है छां, छां धरती ते जन्म लैंदी है, और केड़ी दृढ़ता नाल अपने मालिक नाल अपने मूल नाल अपने जन्मदाता नाल रब नाल जुड़ी हुई है कि सूरज कोशिश करता मैं इंदे नाल रिश्ता पा लवां, इंदे नाल संबंध जोड़ लवां। ज्यों ज्यों सूरज बदलवीं थां ते तुरिया जांदा है
छां अपनी थां बदली जांदी, कहिंदी नहीं तेरे सामने ने, तेरे नाल मेरा कोई रिश्ता नहीं। छां दी कहानी अपनी है, जिहड़े जिहड़े पासे सूरज कोशिश करेगा छां नाल अपना संबंध जोड़न, छां दूजे पासे बदलदी जाए, कि तेरा मेरा कोई संबंध नहीं, तू तो अग रूप है, जैसी अगन उधर पाए तैसी बाहर माया, तू तो अगन रूप है, तेरे नाल मेरा संबंध नहीं जुड़ सकता। मैं ठंडक लैके अपने मालिक अपने मूल विच्चों अपने दरखत विच्चों तरवर विच्चों जन्म लिया है, इसलिए छां ठंडी रहती है, अलिप्त रहती है। छां जड़ी है कदी तुसी वेखो जे भला कोल दरखत दे रूड़ी दा ढेर होए, छां उंदे तो लंघे तां कि छां बदबूदार हो जाएगी, छां नहीं, छां भला किसी फुल्लां दी फुलवाड़ी कोलों लंघे तां छां खुशबू छां निर्लेप है। वो जिहड़ा वैराग अलिप्त रहने वाला निर्लेप रहने वाला सुभाव है वह छां विच है। जिस थां ते छांव है वो उस थां दी पकड़ भी नहीं करती कि मैं इत्थे जन्मी हाँ, मेरा ये जन्म स्थान है, मैं इत्थे रहांगी, मैं अगे नहीं जावांगी, नहीं, वो कहती मेरा मेरी कोई पकड़ नहीं, वो अगले पल उत्थे नहीं हुंदी, टिकाना छड़दी रहिंदी है। दरख्त दी छां है ना, कुछ टिकाना छड़दी है, उत्थे नहीं हुंदी। पर एक ख्याल करो टिकाना छड़ दी, ईवन धरती भी उन्हों पकड़ करके अपने बंदिश विच अपने बंधन विच नहीं रख सकती कि तू मैनू मेरे तेरे आउन नाल मैं ठंडी रही हाँ, नहीं तो मैनू सूरज तपा दिंदा, इसलिए मैं तेनू जान नहीं देना। ऐसा कदी ना धरती दे बंधन विच आउंदी ये छां ते ना आप किसी बंधन विच पैंदी है छां। क्यों? क्योंकि उनका संबंध धरती ते हुंदिया होया धरती नाल नहीं। इनू कहिंदे ने सब के मध अलिप्त रहे, रहिंदी धरती ते है, जन्म लैके छां धरती ते आई है। कदी छां आखिए भी दरखत दे विचे रहिंदी है, नहीं, धरती ते आउंदी है, धरती नूं तपत तो बचाउंदी है। आसमान ते उडारियां लाने वाले पंछी जिहड़े ने ओह भी जदों सूरज तो दुखी हुंदे ने ते आके उस दरखत दी छां मानदे ने, सब नूं ठंडक दिंदी है, पर आप कोई पकड़ नहीं रखदी। उंदा संबंध केवल ते केवल दरखत नाल है, दरखत विच्चों जन्म लैंदी है, दरखत विच समा जांदी है। गुरु कहिंदे ने साधु का भी यह सुभाव है, बाबा कबीर जी ने इसे लिए कहता है साया छाया रूपी साध है। जे साध कोई पकड़ करता है तो वैरागी कदा होया। सतगुरु ने बाणी अंदर ही गल कहती, कहन लगे जां ग्रह ता धर्म कर, जे तू गृह गृहस्थी होना है धर्मी बन, नहीं तो कर वैराग, नहीं तो संसार छड़ दे। जे तेन जे तू संसार अंदर धर्म नहीं कमा सकता, झूठ बोल के फरेब करके ठगियां करके संसार अंदर जीवन बिताना, इंदे नालों तो तू वैराग कर दे छड़ दे संसार। पर एक ख्याल करी वैरागी बंधन करे, जे तू वैरागी भी अखवावें छाया भी अखवावें तो फिर बंधन करें, आप किसी चीज़ की पकड़ करे या किसी की पकड़ में आवे फिर तू छाया तो ना रहा। छाया का जीवन देख, वो पैदा हुई है दरखत विच्चों, किसी नाल किसी बंधन विच नहीं पैंदी, ना किसी का असर कबूलती है। जे संसार अंदर जे चलती हुई हवा तक किसी थान तो लंघे तो बदबू आ सकती है, रूड़ी चो लंघी है, गंदगी तो लंघी है, इधरों आ रही है जी हवा, इधर गंदगी है, स्वास्थ्य वो तो ग्रहण कर लाएगी पर छाया नहीं करेगी। कहन लगे साधु का जेड़ा रब नाल जुड़े है, रब एक दरखत है,
अलिप्तो रहना निरालम रहना ये उनका सुभाव पहला फल है। तो साधु जड़ा है वो छाया रूप है, उनका संबंध केवल निरंकार नाल जुड़िया होया है, किसे होर नाल संबंध उन्हें सारे झंझट छड ही दिते ने, जिन तरिया बाद बाद सब झंझट छड के वो केवल ते केवल निरंकार नाल जुड़ के छाया दी तरह रहिंदा है कि जिथे तू जाएगा छां तेरे नाल जाएगी। इसलिए लोग आखते ने किसे भी दी किसे नु जानन लई उन्दे परछावे नु देखना होगा, जिन्ना सूरज अगले पासे जाएगा परछावा अपने जिंदा जिंदा परछावा उन्दे नाल जुड़ के रहेगा। तो छां जड़ी है वो उस दरखत दी उस तरवर दी छां है जिन्नू राम आखते ने, ते उस छां दा नाम है साध, भगती करन वाला रब नाल जुड़िया होया मनुख। तो जिन्हें सब कुछ छड़ दिता है, भावें रस्ते चों दे फुलवाड़ियां आईयां ने फुलां दियां, भावें उन्दे से रस्ते विच अरूड़ी आई, उन्हें सारा कुछ त्याग दिता है, जिन तजया बाद बिबाद है वो साधु है। ते एहो गल बाबा कबीर जी ने तिन्ना ही नामां दे ते स्पष्ट कीती ते कहन लगे, कबीर तरवर रूपी राम है, कबीर तरवर रूपी राम है, फल रूपी बैराग, छाया रूपी साध है। जे ओ किसे जंजाल विच ना फसे, एक रब नाल जुड़िया होवे उनू होर किस कोई भी अपने बंधन विच ना पा सके। इसे लई आहुने लाइन आई सी, वैरागी बंधन करे होवे साध, वैरागी होवे उदासी होवे ते प्या होवे बंधना विच। पिछले दिनों में बाबा कबीर जी का एक श्लोक आया सी, वो ये सी कि पर दुनिया के लोगों मैं की देखना कि सिख साखा बहुते की है कि सो कियो न मीत चाले थे हार मिलन कहो। बैरागी बनया सी, घर बार छड़िया सी, भी रब नू मिलन चलिया, मैं रब दे राह ते तुरिया, पर बीचे अटक्यो चीत, दरम्यान विच ही रुक गया, कोई साधन ना मिल सकिया। ते बाबा कबीर जी ने इस लाइन विच स्पष्ट कर दिता, कहन लगे वैरागी ओ है जेड़ा छां दी तरह होवे, जेड़ी दरख्त दा साथ नहीं छड़दी, दरख्त तो बिना एक पल नहीं जिउंदी, दरख्त दे नाल नाल तुरदी है, जेड़े पासे दरख्त दी छां जाएगी वो कबूल करेगी, महसूस करेगी कि मेरा साथ दरख्त नाल है। कहन लगे छाया रूपी साध है, छाया रूपी साध है, जिन तजिया बाद ta
बरबर रूपी राम है, राम है, राम है। मनु रब दा परिवार है, उस अगाध बोध दा असल रूप उन्दा अलिप्त रहना ते उन्दे नाल जुड़न वाले दा भी ओ सुभा बनना के ओ किसे होर दे बंधन विच किसे होर आल जाल विच ना ही। ये हो गल बाबा ये हो भगत प्रहलाद जी ने आखी सी, भगत प्रहलाद दे हो जो आप सी मोको कहाँ पढ़ावस आल जाल, मैं होर कोई आल जाल नहीं पढ़ना चाहता, मेरा एक नाल संबंध है, मुको कहाँ पढ़ावस आल जाल, मेरी पटिया लिख दे हो श्री गोपाल बस। सो ये कुछ बाबा कबीर जी ने दो लाइना दे श्लोक विच उस अगाध बोध दा रूप चित्रया है इन्हां शब्दां नाल। खिमांदा जा चाचिश कहाँ फतेह बुलाओ, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।